हेलो वेलकम बैक. दिस इज योर होस्ट प्रणव देवड़ी वंस अगेन. अभी जो है जितना जब तक आप लोग ये सेशन करते रहेंगे तभी हमको ही मिलेगा. तो अभी देखिए, अभी जैसे कि लास्ट जो सेशन में है हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल का देख लिया है, फिर आपका हो गया फ्लोरिंग का हो गया था, वो भी हम लोगों ने देख लिया है. तो अभी जो है लगभग जितने भी अभी हमको लेआउट जो देना पड़ता था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो कि हमका घर का अंदर तक जब जो सीमित था वो सब अभी हम लोगों ने कर लिया. पर इसमें जो है जैसे कि अभी पहले भी जो स्लाइड्स आप लोगों को देखने मिले होगा तो उसमें आप लोग को और एक पॉइंट मिला होगा कि लैंडस्केपिंग का. अब देखिए, अगर हम लोगों को मन करता है, देखिए सिंस ये एक क्रिएटिव लाइन है तो इसमें क्या होता है, हम लोग का ऐसा नहीं होता है कि बस हम लोग घर के अंदर ही रह जाए, हम लोग को अपने आप को और भी एक्सप्लोर करना है, अपने आप को और भी एक्सपेंड करना है. तो इसके साथ साथ क्या है, क्यों ना हम लोग सिर्फ घर के अंदर ही नहीं रह के हम लोग बाहर भी चले. अब देखिए बाहर का कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि काफी टफ हो सकता है, पर इतना भी टफ नहीं होता है. अभी जैसे कि अभी हम यहाँ पे दिखाने वाला है कि किस तरह से अभी हम लोग जो बाउंड्री जो है उनका जो कंपाउंड रहता है ये मोस्टली क्या होता है. देखिए अगर जिसका इंडिविजुअल घर होता है तो उनका क्या होता है, अभी फिलहाल जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाता है, पर फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत लोग क्या है उनके पास बैल्कनीज रहता है. कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो बैल्कनी एक्स्ट्रा रह जाते हैं तो उसमें भी उनका मन करता है कि क्यों ना उसको थोड़ा बहुत सजाए, थोड़ा ग्रीनरी उसमें डाल दे. आजकल जो है देखिए आजकल के जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इवन लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड, अभी सिर्फ हम इंडिया का बात नहीं कर रहे, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या हो रहा है, सभी लोग जो है वो ग्रीनरी को सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आप लोग देखेंगे नया नया, इनफैक्ट हम तो ये बोलेगा कि आपको क्यों ना इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कीजिए, वहां पे क्या है आर्किटेक्ट वगैरह लोग फॉलो कीजिए, जिसमें आप लोग को पता चला कि नया जो कॉन्सेप्ट जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है. तो उसमें आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा हमेशा, जितने भी अभी नया जो प्रोजेक्ट्स आ रहा है जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स रहता है तो उसमें हमेशा देखिएगा जहां पे आर्किटेक्ट्स लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स लोग काम कर रहे हैं, हमेशा जो है वो ग्रीनरी में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. सो आजकल जो है हर कोई क्या होता है कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर या बाहर क्या है प्लांटेशन लगाने का मन रखते ही है. तो फिर अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको आगे बढ़ सकते. So, अभी जैसे कि हमका ये जो है हमका प्लान हो गया था, इसमें काफी कुछ हम लोगों ने दिखा दिया, सब कुछ हो गया था. तो अभी क्यों ना हम लोग इसके बाहर की तरफ चले. अभी चलिए हम फॉर एग्जांपल इसका एक बाउंड्री हम ले लेता है कि हाँ चलो इसका जो है ये कंपाउंड का हो गया, ये जो आउटर जो है ये हो गया. अब जैसे इसका आउटर बाउंड्री हमने कर दिया है, इसमें अभी आप लोग देख सकते कि हाँ अभी घर है तो ऑब्वियसली गाड़ी होगा साथ में. आजकल मैक्सिमम सभी लोगों के पास गाड़ी होता है, बाइक होता है, उस से टू व्हीलर्स होता है, बाकी के पास दो तीन गाड़ी भी हो सकता है. सो क्यों ना हम लोग उनके लिए फिर बाकी का जो जो चीजें है जो पार्किंग का जो प्रॉब्लम है वो सब हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं. अभी जैसे कि जब तक हम लोगों ने अगर घर का इंटीरियर कर भी लिया, उसमें हम लोगों ने लेआउट कर लिया, तो फिर हम लोग क्यों ना उसका गैरेज का भी हम लोग प्लानिंग कर दे. तो अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसका पूरा प्लानिंग कर लिया है, इसका आउटर बाउंड्री भी अभी कर लिया, तो क्यों ना अभी हम लोग बाहर की तरफ इसका ड्राइववे अभी हम लोग प्लान कर सकते हैं. अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर से हमने आपको ये दिखा रहे हैं तो इसमें ही हम लोग क्यों ना आगे बढ़े. सो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जगह हमने दिखाया तो यहाँ पे हम लोग इसका गैरेज के लिए कर सकते हैं कि हाँ चलो इस साइड जो है हम लोग गैरेज के लिए प्लान कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, हम लोगों ने वो गैरेज गाड़ी के लिए हम लोग एंट्रेंस के लिए जगह दे दिए. फिर यहाँ पे जो है हम लोग का जो मेन एंट्रेंस के ठीक सामने हम लोग और एक एंट्रेंस दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पे भी एक हम लोग का गेट है. तो जैसे कि यहाँ से आए फिर यहाँ पे भी हम लोग का एक थोड़ा सा स्टेप्स वगैरह हो गया, एक दो स्टेप दिखा दिए. तो जैसे कि यहाँ से आप आया, यहाँ से एक पार्ट भी निकाल दिया कि हाँ चलो बढ़िया से साइड साइड से जाके ये जगह से हम लोग का जो है पार्ट में निकल गया. ये आपका कुछ भी हो सकता है, इसमें मटेरियल जो आप यूज करने चाहते हैं. देखिए अगर हम लोग एक्सटीरियर का भी बात करते हैं तो उसमें भी ढेर सारा मटेरियल्स है. अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ब्रिक ही लेआउट करना पड़ता है, उसमें स्टोन क्लैडिंग का बात आ जाता है. इवन स्टोन्स, नेचुरल जो स्टोन्स आते हैं उसके से आप भी हम लोग कर सकते हैं. इवन अगर आप लोग को चाहते हैं कि आप लोग वुडन प्लैंक्स के साथ करना चाहते हैं तो आजकल इस तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल्स आ गया मार्केट में जो कि हम लोग बाहर में भी लगा सकते हैं. और देखिए जब तक हम लोग अगर इंटीरियर का बात करते हैं, सिर्फ इंटीरियर के लिए बाहर का भी हमको देखना पड़ता है, जो नॉलेज अभी हम लोग को रखना पड़ता है वो हम लोग को दोनों का ही रखना पड़ता है, इंटीरियर का भी बाहर का भी. अभी क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ सिचुएशंस में, अभी जैसे कि हमने थोड़ा बात पहले ही बताया था कि बैल्कनी का बात, अभी बैल्कनी में क्या होता है जब भी बारिश जोर से आता है तो अल्टीमेटली क्या है वो बारिश का जो रेन ड्रॉप्स वगैरह वो सब हम लोग बैल्कनी में आ ही जाता है. तो उसमें अगर इस तरह का एक मटेरियल अगर हम लोग लगा देते हैं जो कि पानी भीगने से खराब हो सकता है तो क्या है वो चीज ज्यादा दिन नहीं चलेगा. तो इसलिए क्या है उसके लिए जो है हमको एक ऑल्टरनेटिव
रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, हमको इस तरह के मटेरियल में जाना पड़ेगा जो कि वेदर प्रूफ रहे। सो इसलिए क्या होता है, ये कभी मत सोचिएगा कि सिर्फ हमको घर के अंदर ही काम करना है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको बाहर का भी देखना पड़ता है। सो इसलिए क्या है, इसके बारे में क्या होता है, जैसे ही सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे उसमें काफी सारा डिटेल आप लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट क्या है, आप लोग जैसे ही अगर ये कोर्स के लिए अगर आप लोग सोच रहे हैं, अभी फिलहाल आप लोग ये फ्री सेशंस देख रहे हैं जिसमें आप लोगों को काफी कुछ पता चल रहा है, तो इनफैक्ट हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है आजकल जो कि नेट पूरा अवेलेबल है, 24 आवर्स आप लोग के पास अवेलेबल रहता है, सो व्हाई नॉट यू गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स, कि आप लोग देख लो कि आउटर के लिए एक्सटीरियर के मटेरियल्स क्या क्या अवेलेबल है, इंटीरियर के लिए क्या क्या मटेरियल्स है। सो उस तरह से आप लोग काफी कुछ मिल जाएगा। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे जो है एक पाथवे निकाल रहे हैं ताकि लोग जो है ये कंपाउंड में घुसते वो एक गाइडलाइन में चले कि हाँ उसको कहाँ कहाँ चलना चाहिए। अभी देखिए अगर हम इसमें पाथवे नहीं बनाते ऐसा होगा कि लोग कोई भी आएंगे कहीं पे भी वो चलने लग जाएंगे, पर जब हम लोग लैंडस्केपिंग का डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग को ये देखना पड़ता है कि हाँ हम लोग ये टारगेट कर सकते हैं कि लोग को कहाँ कहाँ कैसे लेके जाना है। अभी जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर रास्ता नहीं दिखाते तो लोग घुसते ही होगा कंपाउंड में घुसते ही, इसलिए अभी हम कहाँ जाए, यहाँ पे तो बहुत कुछ है। हम चाहे ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट पीछे की तरफ चले जाए, बस साइड की तरफ चले जाए। तो इसमें भी क्या है, जब हम लोग ड्रॉइंग्स करते हैं तब क्या होता है, हम लोग वो गाइड कर सकते हैं कि लोग को हम किस तरफ कैसे लेके जाए। सो क्या है, अभी जैसे हम एक पाथवे बना रहे हैं इसमें, जैसे कि चलो हम एक स्टोन का दिखा रहे हैं, स्टोन का पूरा दिखा रहा है, ये पूरा आपका स्टोन का हो रहा है इस तरह से, ये ऐसे ऐसे। सो यहाँ पे जो है हम प्लांटेशंस दे रहे हैं और इस तरह से जो है पीछे की तरफ हम आपको गाइड करके लेके चलेंगे। अभी जो है ये साइड साइड का जो एरिया है ये सब हम जो है वो प्लांटेशंस के लिए छोड़ के रखे हुए, इस तरह से हम लोग प्लांटेशंस दिखाते हैं। ये देखिए बड़ा बड़ा जो ट्रीज है हम लोग इसको दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, फिर यहाँ पे छोटा छोटा कुछ दिखा सकते हैं, ये सब जो है प्लांटेशंस दे रहे हैं। देखिए पूरा जो है अभी आपका जो घर है धीरे 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 वो दिखने में भी सुंदर हो रहा है। मतलब क्या है, इसमें जो है हमका जो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जैसे आप लोग ये प्लान में चीजें ऐड करते जा रहे हैं आपका जो प्लान है और भी अच्छा दिखने लग रहा है और भी ज्यादा अपीलिंग हो रहा है। तो क्या पता, देखिए क्लाइंट्स को हमेशा जो है हम लोग को थोड़ा बहुत देना पड़ता है ताकि वो क्लाइंट अगर उनका मन में नहीं भी हो शायद वो क्या है आगे जाके उसको करे, पर अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं तो फिर उन लोगों को कहां से पता चलेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कोई दूसरे से मिले। अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर है और आप अपने कस्टमर को लेके बैठे हुए तो ऐसा होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिले वो आप ही के थ्रू से मिलना है, ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन फिर आके उनको सजेशन दे। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाता है। बिकॉज क्या होता है, अगर इंटीरियर डिजाइनर का अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या है, जैसे कि पहले सेशन में हमने बता चुका है व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर डेकोरेटर्स और फिर इंटीरियर डिजाइनर्स, तो उसमें वो हम लोग को डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब हम लोग अपना जो टेक्निकल नो हाउ जो है वो लोगों के सामने और भी ज्यादा हम लोग प्रेजेंट करें। सो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने काफी कुछ दे दिया है, यहाँ पे आपका प्लांटेशन आ गया, अलग अलग प्लांटेशन आ गया इस तरह से इस तरह से, फिर आके यहाँ पे जो है हमने वो गैरेज का पार्ट बना दिया। सो यहाँ से जो है हम लोग एक बैकडोर निकाल सकते हैं, छोटा सा पार्ट भी निकाल सकते हैं जो कि इस तरह से ये कंटिन्यूस हो रहा था। अब यहाँ पे जो है ये देखिए मेरा जो ये पार्ट वे है ये पूरा कंटिन्यूस हो रहा है, तो कोई भी अगर यहां से आएगा तो क्या है वो यही पार्ट वे को लेगा। अब यहां से क्या है, ऐसा नहीं कि वो कहीं कहीं भी चला जाए। फिर आके यहाँ पे है अगर गैरेज का पार्ट कर रहे तो इसमें से हम ब्रिक दिखा दिया, तो इस तरह से जो है ये अभी काफी टाइम लग गया है इसलिए मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पे जो है थोड़ा शॉर्टकट करके मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है कि हाँ चलो यहाँ पे जो ये हो रहा है ये आपका ड्राइव वे हो गया। सो यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्टली आपका जो गाड़ी आएगा वो यहाँ से ही घुसते आ गया। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास जगह है फिर आपको उसमें एक स्विमिंग पूल देना चाहते हैं तो आप एक स्विमिंग पूल प्लान कर सकते हैं कि हाँ चलो एक स्विमिंग पूल हो गया बढ़िया से, इस तरह से आपका स्विमिंग पूल हो गया। अब यहाँ पे भी क्या है, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे आना चाहिए। सो इस तरह से क्या है, हम लोग जो है एक फुल पैकेज लोगों को दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग एक रफली देख चुके हैं कि हाँ हम लोगों ने कैसे इनका जो कंपाउंड था पूरा सिर्फ घर ही नहीं सजाया, उसके साथ साथ जो है हम लोग इसका पूरा जो कंपाउंड है उसको भी हमने साथ ही में इसको सजा दिया है। सो आई गेस कि काफी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। सो
यहां तक जो है आई गेस हम लोग ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अभी जो है एक नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम आप लोगों को ये पूरा जो है समराइज करके आप लोगों को एक बार बता देते हैं। सो चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।